देखिए पानी कुछ हो गया। अब मैं इसे घी, इसमें घी शामिल कर रही हूँ। 2 चम्मच मैं घी के डालूंगी क्योंकि चनों में ज़्यादा घी डाला जाता है। चने हो दाल हो वो घी ज़्यादा देती है। मैं इसे 10 मिनट भूनूंगी। जैसे ही भूनते फिर मैं दिखाती हूँ। अब मैं डालूंगी थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। मैंने सब्ज़ मिर्चें और धनिया शामिल किया। अब जैसे ही पकता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे, हम भी खैरियत से हैं। मैं आज होम रूटीन में काले चने बना रही हूँ। ये मैंने पानी और चने ऊपर रखे हैं। इसमें मैं लहसुन अदरक, चने मैंने 1 प्याली ली है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक और प्याज डाल रही हूँ। ये मैंने आधी बड़ी जो थी आधी प्याज ली है, ये इसमें मैं डाल रही हूँ। हल्दी 1/2 चम्मच, ये मैं सुरख मिर्चें पीसी हुई ले रही हूँ 2 चम्मच, ये मैंने 2 चम्मच नमक लिए, साथ में डालूंगी कुटी मिर्च थोड़ी सी कुटी मिर्च ली है, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी साबुत। ये लौंग, जीरा, दालचीनी, ये बड़ी इलायची, काली मिर्चें, ये सारा कुछ मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसको कुकर लगा के बंद कर दूंगी 1/2 घंटे के लिए। ये मैंने कुकर लगा दिया 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटे के बाद इसको उतार लूंगी। ये देखें कुकर मेरा चल गया। अब मैं इसको बंद कर दिया। ये देखिए चने उबल गए अच्छी तरह और गल भी गए। ये देखिए गल गए। अब इसका मैं पानी खुशक करूंगी और इसको अच्छी तरह भून लूंगी। अभी ये पानी मैं इसका खुशक कर रही हूँ और कुछ पानी मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करने लगी हूँ। इसको मैं भून के वही पानी डालूंगी और दूसरा पानी नहीं डालूंगी। देखिए पानी खुशक हो गया। अब मैं इसे घी, इसमें घी शामिल कर रही हूँ। 2 चम्मच मैं घी के डालूंगी क्योंकि चनों में ज़्यादा घी डाला जाता है। चने हो दाल हो वो घी ज़्यादा देती है।
मैं इसे 10 मिनट भूनूंगी, जैसे ही भूनते फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए चने कैसे भुन गए, और उसने ये देखो जमीन छोड़ दी है, घी डाला है तो वो अच्छी तरह भुन गए, उसने घी भी छोड़ दिया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी वही पानी जो मैंने निकाला था। और थोड़ा सा डालूंगी दूसरा पानी, सर्दियों में ये चने बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आजकल नज़ला ज़ुकाम बहुत है बच्चों को बड़ों को, और उसके लिए ये काले चने बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इससे नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाता है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी धनिया, और इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी ताकि ये पक जाए अच्छी तरह। फिर मैं अब मैं डालूंगी थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, मैंने सब्ज़ मिर्चें और धनिया शामिल किया। अब जैसे ही पकता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें चने कैसे पक रहे हैं, और ऊपर उसने घी भी छोड़ दिया। अब मैं मसाला डालूंगी, मसाला डाल के इसको मैं दम पे रख दूंगी। ये देखें मसाला डाला, अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ हल्की सी आँच पर 5 मिनट के लिए, ताकि इसका घी और भी निकल जाए। और ये दम में इसका मसाले का जायका, दम का टाइम पूरा हो गया। और देखिए चने बहुत ही मज़ेदार, और उसकी बहुत ही खुशबू आ रही है, और ऊपर से उसने घी भी छोड़ दिया अपना सारा। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। देखिए काले चने तैयार हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, और खुशबू भी अच्छी आ रही है। आप हमारे होम रूटीन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। आप अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।